देखिए बेटे, वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 5, द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हमने सीखा कि हम डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं ताकि उनका अच्छे से एनालाइज किया जा सके, उन्हें अच्छे से समझा जा सके, कंक्लूजन निकाला जा सके, सामने वाला जो रीडर है उन्हें डाटा को देख के कंक्लूजन निकाल सके। ये था आपका चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें हमने टेक्स्ट प्रेजेंटेशन किया जिसमें डाटा को हम लिख कर दिखाते हैं, एक ब्रीफ फॉर्म में लिख कर दिखा देते हैं, ठीक है, और सामने वाला जो रीडर है उसे पढ़कर कंक्लूजन ड्रॉन कर लेता है, निष्कर्ष निकाल लेता है। फिर था आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम डाटा को टेबल वाइज शो करते हैं, ठीक है, उसे एक टेबल का निर्माण करते हैं। टेबल में बेटे बहुत सारे वास्ट लार्ज साइज ऑफ आइटम कवर हो जाते हैं, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन कवर हो जाती है, ठीक है, जिससे कि डाटा को समझना आसान भी बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत बड़े बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन की एक समरी तैयार हो जाती है टेबल के रूप में, ठीक है, जो आपको एक अच्छा कंक्लूजन प्रोवाइड कराकर देती है। इसके बाद हमने देखा था कि भाई टेबल कितने तरह की हो सकती है, अलग अलग, ठीक है। कल हमने टेबल के टाइप पढ़े थे, एक जनरल टाइप की टेबल थी जो सामान्य टेबल होती है, एक स्पेशल पर्पस टेबल थी जो स्पेशल कंक्लूजन स्पेशल आइटम्स के लिए बनाई जाती है, एक ओरिजिनल टेबल थी कि डाटा जैसे कलेक्ट किया हमने सेम टेबल में ट्रांसफर कर दिए, एक डेराइव टेबल थी कि डाटा की हेल्प से हमने पहले रेशियो या परसेंटेज निकाली फिर हमने टेबल बनाई बेटे, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन के बेस पर टेबल आई, वन वे टेबल जिसमें केवल एक फीचर के बेस पर टेबल बनाई जाती थी, ठीक है, डबल वे में दो फीचर के बेस पे, ट्रेबल टेबल में तीन फीचर के बेस पे, और मैनिफोल्ड में तीन से ज्यादा फीचर आपके हो जाते हैं। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे बेटे। आज हमें टॉपिक स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमें डाटा का क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था क्या होता है बेटे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्लास या डिफरेंट ग्रुप तैयार करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के आधार पर, समानता के आधार पर क्लास या ग्रुप तैयार करना और उसके अंदर आइटम्स को बेटे लिखना या काउंट करना आपका क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को अब हम प्रेजेंटेशन से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। बेटे क्लासिफिकेशन हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं जहां हमने डाटा का ऑर्गेनाइजेशन किया था। आपको ध्यान हो तो सबसे पहला आया था ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन जो प्लेस के आधार पर होता था, जिसे हम स्पाशियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। फिर क्वालिटेटिव आया था जो गुणों के आधार पर होता है। फिर क्वांटिटेटिव आया था बेटे जो क्वांटिटी के आधार पर होता है, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल नंबर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं बेटे, ठीक है। फिर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन आया था जिसे हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहा था, जिसमें टाइम के आधार पर डाटा को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। टाइम जैसे कि बेटे जनवरी फरवरी मार्च या 2001 2002 2003 इस तरह से। तो वो क्लासिफिकेशन अब यहाँ पर दोबारा किया जाएगा, ठीक है। बस उस क्लासिफिकेशन को अब हम एक टेबल के रूप में दिखा रहे हैं। प्रीवियस में भी हमने टेबल के रूप में ही दिखाया था, बट क्योंकि ये अभी तक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा प्रीवियस लेसन में नहीं आया था इसलिए उसने हमें टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं बताया, बट इस लेसन में प्रेजेंटेशन आ चुकी है तो इसीलिए वो क्लासिफिकेशन को प्रेजेंटेशन से कनेक्ट करके आपको बता रहे हैं। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो पहला आ रहा है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव यानी कि गुणों के आधार पर, क्वालिटीज यानी गुण, ठीक